अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल माशाल्लाह हैदराबादी रेसिपीज़। में आज हम बनाएंगे टमाटे आलू गोश। सबसे पहले चूल्हे पे कुकर रख दी, मैं ऑयल डाल दी मैं 3 टेबलस्पून। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया, अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 डली प्याज। प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। देखिए माशाल्लाह प्याज अच्छे से लाइट ब्राउन हो गई। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त, 1/2 किलो गोश्त है ये। मैं बीफ में बना, अदरक लहसुन 1.5 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, मिर्ची 2 टीस्पून। अच्छे से मिक्स करके अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटे है ये 1/2 किलो। टमाटों को गोश्त को अच्छे से 10 मिनट के लिए भुनेंगे। इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। गोश्त गलने तक 4 से 5 सीटी देंगे। चलिए हम चेक करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। अब हम अच्छे से भून के आलू डालेंगे। आलू है ये 1/2 किलो। मीडियम साइज़ में काट ले मैं आलू को। गोश्त को अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 सीटी देंगे आलू गलने के लिए। देखिए माशाल्लाह हमारा आलू अच्छे से गल गया। पाँच मिनट के लिए अच्छे से भून के पानी डालेंगे। आप लोगों को कितना गाढ़ा पतला जितना रखना है वो हिसाब से डाल लेना पानी। ज़्यादा पतला भी नहीं रखना, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। अब हम कोथमीर हरी मिर्ची डालेंगे। चलिए हम 10 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा सालन अच्छे से बन गया। हम फ्लेम को ऑफ करेंगे। मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को क्लिक करिए। दुआ में ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।